Please, can you tell us how's your experience and how's your journey in lockup? My journey has been nothing short of extraordinary, considering this is my first year in the television industry, in the OTT space, in the reality show space. I think I am truly blessed ke mujhe itna ne ye mauka diya, Endemol aur Old Balaji ne ye mauka diya. It's very special, my very first reality show. It's always going to stay with me. Aur show ke winner Munawar ke bare mein aapka kya kehna? मुनावर एक स्पेशल इंसान है. ये शो उसी के नसीब में लिखा था और मैं चाहती थी कि ये शो वही जीते, और जब वो शो जीता तो मुझे लगा कि मैं भी जीत गई. सो शो में एक मोमेंट था जिसमें निशा जी ने आपका काफ़ी साथ दिया था और करणवीर को डांटा गया था उस चीज़ के लिए, तो उसके बारे में आपका क्या कहना? जब भी कोई LGBTQ रिलेटेड टॉपिक शो में आया था, मैंने यही चाहा था कि उस टॉपिक को मैं एक सेंसिटिविटी से, एक डिग्निटी से, एक ग्रेस से सॉल्व करूं, ना कि झगड़ा करके और मुद्दा बना के. लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मेरे से ज़्यादा बाकी के जो कैदी थे वो उसका फ़ायदा उठा रहे थे, और फुटेज के लिए, दिखने के लिए वो उसका मुद्दा बनाते थे. मेरी कोशिश वो नहीं थी. मैं चाहती थी कि ये जो टॉपिक है उसको सेंसिटिवली हैंडल किया जाए. तो जब निशा ने भी वो टॉपिक पर बात की थी तो मुझे लगा कि तब वो ज़रूरी नहीं था. तो शो से बाहर आने के बाद एक इंटरव्यू में मुनावर ने कहा कि पायल में क्वालिटी नहीं थी जीतने की, तो उसमें आपका क्या कहना है? वो मुनावर की सोच है, पर मैं इतना जानती हूँ कि पायल में भी काफ़ी सारे क्वालिटीज़ हैं जो आ सकते थे और जिसके चलते वो विनर बन सकती थी. लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि पायल शो जीते, बिकॉज इस शो का विनर एक इंस्पिरेशन होना चाहिए. इस शो का जो विनर है वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए. जिस तरीके से पायल ने अपना गेम खेला था, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी एंगल से इंस्पायरिंग है. क्योंकि 20 कंटेस्टेंट्स में, 20 कैदियों में अगर आपका एक भी दोस्त नहीं है तो वो बताता है कि आप कैसे हो. तो आप नहीं चाहती थी पायल को जीतना, तो आप मुनव्वर को ही विनर बनते देखना चाहती थी या किसी और को? मेरे जो दोस्त बने थे शो में, मुनव्वर, पूनम, अंजलि, मैं इनमें से कोई भी अगर शो जीतता तो बहुत खुश होती. लेकिन इस लिस्ट में मैं आजमा को भी ऐड करना चाहूँगी. अगर आजमा भी ये शो जीतती तो मैं बहुत खुश होती. तो आप फिनाले में अगर आप होती तो आप अपने साथ किसको देखना चाहती थी? फिनाले में अगर मैं होती तो डेफिनेटली अगर मैं मुनव्वर के सामने जीतती तो ये बहुत मज़ा आता है. सो आप जब वापस अंदर आई तो आपने कहा कि मुनव्वर को आप सपोर्ट करने जा रही हो, तो इस बात में कितनी सच्चाई थी? इस बात में कितनी सच्चाई थी वो तो रिज़ल्ट आपने देख ही लिया है. जिस तरीके से मुझे ट्रोल किया जा रहा था कि मैं शो में खुद के लिए ना जाके किसी और के लिए जा रही हूँ, अगर उस सब का सामना करके भी मैं जो मेरे दिल की बात है वो कर रही थी, गोज़ टू शो लॉट अबाउट मी. मैं चाहती थी कि मैं जितनी हो सके मेरे दोस्तों की हेल्प करूँ, ना सिर्फ मुनव्वर की बट पूनम की भी. इसलिए जब जो लास्ट अरीना टास्क हुआ था, मैंने ये भी कहा था कि आप प्लीज़ मुझे लॉकआउट कर दो और पूनम को रखो, क्योंकि मेरी लाइफ में मुझे पता है दोस्तों की अहमियत क्या है. और मैं ये भी दिखाना चाहती थी कि रियलिटी शो में कुर्बानी नाम की भी एक चीज़ होनी चाहिए. और टिकट टू फिनाले टास्क में उस आपने, आपकी ये बोलने के बाद आप लोगों को अपने बारे में सोचना, इसके बारे में भी जनता काफ़ी बात कर रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? टिकट टू फिनाले का जो ब्रेक का टास्क था, वहाँ मैं अंजलि को सपोर्ट कर रही थी और जो अंजलि ने चाहा मैंने किया. तो तब तक मैं मुनव्वर की हेल्प कर रही थी, और उस स्टेज पे मुझे लगा कि अंजलि को मेरी ज़रूरत है, तो मैंने अंजलि की हेल्प की थी. लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपने देख लिए थे. बट इवेंचुअली ये शो अगर अंजलि भी जीतती तो मैं उसके लिए उतनी ही खुश होती. और आपके और मुनव्वर की फ्लर्टिंग जो काफ़ी अच्छी लग रही थी जनता को, सो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है कि लोगों को पसंद आया, लेकिन मैंने कुछ ऐसे सोच के नहीं किया था कि लोगों को पसंद आएगा, इसलिए मैं अब करूँगी. मेरे जो दिल से बातें हो रही थी मैं कर रही थी, और मुनव्वर जिस तरीके से मुझे ट्रीट कर रहा था, जिस तरीके से वो मेरी छेड़खानी करता था, मैंने भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया और मुझे वो बहुत स्पेशल लगा था. जो जिस तरीके से वो मेरी टांग खींचता था, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था ये सब. तो मेरे रिएक्शन इसलिए बहुत नेचुरली आ रहे थे. आपने एक हैशटैग बनाया मुनाइशा, उसके बारे में? वो हैशटैग मैंने नहीं बनाया, वो फैंस ने बनाया है. लेकिन आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल गॉट टू सी
दिस साइड ऑफ अ रिलेशनशिप एज वेल, कि दो एक लड़का और लड़की ऐसे भी दोस्त हो सकते हैं. सो घर में किसी के साथ ऐसा कि जेलेसी हो या काफ़ी अच्छा लगता हो उसके बारे में, मतलब कोई इंसान मेरे बॉडी में जेलेसी का हड्डी, मेरे बॉडी में जेलेसी की हड्डी है ही नहीं. मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत सिक्योर हूँ एज अ वूमन, तो जेलेसी तो मेरे में बिल्कुल नहीं है. लेकिन हाँ, मैं ज़रूर चाहती थी कि जो मेरे दोस्त हैं वो गेम में आगे जाए, और कुछ ऐसे एक आध दो लोग हैं जो जिनका तो मैं नाम शायद ना लूँ तो बेटर है, और वो आगे नहीं जाए, वो मेरी कोशिश थी. सो शो के बाद आप किसको नहीं मिलना चाहोगे, किसको आप पसंद नहीं करते हो, कोई एक नाम? आपको पता है वो नाम क्या है, मैं उस इंसान को इम्पोर्टेंस भी नहीं देना चाहती हूँ. बट बाकी जो मेरे दोस्त हैं उनसे मैं टच में हूँ, रहूँगी. मुझे आजमा को मिलना है, आजमा की लाइफ देखनी है, मुझे अंजलि की लाइफ दिल्ली में, उसने दिल्ली में अपनी लाइफ इतनी मुझे बताई है कि मुझे एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए अंजलि के साथ उसकी लाइफ जीनी है. और सबसे ज़्यादा किससे मिलना है? अभी मुनव्वर मेरे बाजू में ही रहता है, तो उससे तो ऑब्वियसली मिलना सबसे ज़्यादा होगा. मुझे उसके साथ फ्रेंडशिप आगे ले जानी है, वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत इंस्पायरिंग है, तो डेफिनेटली मुनव्वर एंड अंजलि. सो आफ्टर लॉकअप, लॉकअप सक्सेस पार्टी हुई थी, उसमें क्या कुछ हुआ, आप किससे मिली, क्या बातें हुई उसके बारे में? लॉकअप सक्सेस पार्टी में बहुत भीड़ थी, लेकिन सबके साथ मिली, सबके साथ डांस किया. अंजलि के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाई, मुनव्वर के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाई क्योंकि बहुत भीड़ थी. लेकिन जैसे मैंने कहा है, फॉर मी आजमा इज़ द स्पेशल वन. और मेन सबसे शो के जेलर और वार्डन के बारे में क्या है? जेलर और वार्डन मेरी लाइफ में बहुत स्पेशल है, स्पेशल रहेंगे. मुझे याद है जब करण फर्स्ट टाइम आए थे, उसके बाद भी उन्होंने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया, जिस तरीके से मुझे गाइडेंस देते थे, ही इज़ रियली इंस्पिरेशनल. और तब मुझे लगा कि ऐसे इंसान को अगर कोई पसंद है तो वो कैसी होगी. तो जब मैं तेजस्वी से मिली तो मुझे लगा कि कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हाई दीज टू पीपल आर टुगेदर, दे आर वेरी स्पेशल. सो आफ्टर लॉकअप क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा हमें आप में? सबसे बड़ा चेंज तो यही दिखेगा कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में घुस रही हूँ जो नई है मेरे लिए. तो जिस तरीके से वेदर वो टीवी स्पेस हो, रियलिटी शो स्पेस हो या मूवीज़ हो, मेरे लिए नई जगह है, तो मुझे देखना है कि ये कैसे रहेगा मेरे लिए. सो अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो आप उसको फेस कैसे करते हो? इन रियल लाइफ मैं ऐसे इंसान को मेरे लाइफ में आने ही नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे बहुत इंसान होते हैं जो नेगेटिविटी लेके आते हैं, और मेरे लाइफ में ऐसे इंसानों के लिए जगह भी नहीं है. और इसके अलावा हम आपको किसी शो में देखेंगे या आप जाना चाहती हो? मैं सब करना चाहती हूँ, मैं जितनी भी ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ आएगी मैं सब में ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरी रिप्रेजेंटेशन हर जगह पे हो, वो बहुत ज़रूरी है. एट द एंड आप फैंस को, ऑडियंस को क्या बोलना चाहूँगी? मैं फैंस को, स्पेशली जो लॉकअप के बाद मेरे फैंस बने हैं, उनसे ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू, आपने जो भर भर के मुझे वोट किया है, उसके चलते मैं शो नहीं जीती, लेकिन मैं लाइफ में जो सब जीतने वाली हूँ वो आपकी वजह से. थैंक यू. थैंक यू.